हे डिजिस्टर्स, हाउ यू ऑल। मैं उज्ज्वल पंडित आपके लिए लेके आया हूँ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, ये चैप्टर आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए, समझ में नहीं आता है ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक टाउन ए है, ठीक है, यहाँ पे एक टाउन बी है। ये दोनों टाउन एक रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड हैं, और दो बसों के बीच जो टाइम है वो आपका टी लग रहा है, टी मिनट। ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं बसेस जो हैं हर टाइम टी पीरियड पे निकल रहे हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड कांस्टेंट है। सॉरी, ये ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब बसेस के बीच जो हमारा जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं या डिस्प्लेसमेंट एल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक साइक्लिस्ट जा रहा है जिसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है। मान लेते हैं कि इस पूरे लेंथ को इसको क्रॉस करना है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं इस पॉइंट को इसको इस साइक्लिस्ट को क्रॉस करना है। ये केस रिलेटिव मोशन का है, क्योंकि साइक्लिस्ट भी कंटिन्यूस मोशन में है और ये बस भी मोशन कर रहा है, लेकिन ये इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तभी ये इसको क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। मान लेते हैं बस जो वेलोसिटी से चल रहे हैं वो है हमारा, जिस स्पीड से चल रहे हैं वो हमारा है वी बी, ठीक है। अब वी बी वेलोसिटी से चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये इसको क्रॉस करेगा, तो मतलब वी बी इज़ ग्रेटर देन 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो इसको यहाँ पे आने में मतलब इसके इसकी लंबाई में आने में, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट लग रहा है, क्योंकि एक बस से दूसरी बस इसको, हर बस इसको 18 मिनट पे क्रॉस कर रही है, तो मतलब ये लंबाई 18 मिनट में इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं L इज इक्वल टू आपका है वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी का मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वी बी माइनस 20 ही हो जाएगा, और टाइम टेकन आपका 18 मिनट है, 18/60, क्योंकि इसको हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यही लंबाई, अब क्या हो रहा है, बी से जब बस आ रही है साइक्लिस्ट की तरफ तो भी यही हो रहा है, ऐसे ही कुछ हो रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल ही रहेगा, ठीक है। वही सेम केस है कि मान लेते हैं ये पूरी लंबाई इसको क्रॉस कितने टाइम में करेगी, 6 मिनट में करेगी, ये दिया हुआ है इधर, ठीक है, 6 मिनट में करेगी। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों की लंबाई तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन इस केस में यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरे को नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो मान लेते हैं साइक्लिस्ट को नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो केस आएगा, ये हमारा जो केस आएगा इनटू कुछ यूँ आएगा 6 मिनट अपॉन 60, ठीक है। अच्छा, ये देखो 60 से 60 कट जाएगा, फिर 6 से 18 कट जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। फिर वी बी माइनस 20 इंटू सॉरी दिस इज ये आपका 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू वी बी प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें वी बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो देखो फिर से इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 3 VB। वेट, हमें यहाँ पे मिलेगा 3 VB माइनस 60 इज इक्वल टू VB प्लस 20। ठीक है, अब VB को इधर भेज दो तो 2 VB हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा यानी 80। ठीक है, VB इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब जब 40 किलोमीटर पर आवर आ गया VB तो हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला था, VB माइनस 20 इंटू 18/60। ठीक है, VB की वैल्यू आई 40 माइनस 20 इंटू 18/60, ये 6 से काटेंगे तो आएगा 3/10। ओके, ये 20 इंटू 3/10 ये आपका आया 6 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जब आपका लेंथ 6 किलोमीटर आ चुका है और टाइम पीरियड आपने वेलोसिटी आपको पता ही है तो आप टाइम पीरियड निकाल लोगे। ठीक है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू डिस्टेंस 6 किलोमीटर अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका कितना है 40। ठीक है, 40 किलोमीटर है, बट 40 किलोमीटर पर आवर है। हाँ ठीक है, तो इसे चेंज करेंगे। वेट, फोर्टी किलोमीटर, ओके, ये अब ये जो हमारा टाइम आ रहा है वो आवर में आ रहा है, इसको मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 0 0 कट जाएगा, ये आपका आएगा 36/4, सॉरी 36/4। वेट, दैट इज 9 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 9 मिनट और आपका ये फाइनल आंसर है VB इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू, उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि किस पार्ट में आपको परेशानी हुई या क्या चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप कौन सा आंसर मुझसे चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।